हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सभी एक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ के दृष्टि से, क्योंकि ये हर बार बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आया था, मतलब हर साल ये अधिकतर पूछा ही रहता। तो 2025 में भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है, तो आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जरूर से देख के लिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था। इसमें जो है कई देशों के बीच जो है लड़ाई हुई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं दो ग्रुप के बीच। जैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ, अगर जैसे मान लीजिए एक लड़के की दूसरे लड़के से लड़ाई हुई, तो एक लड़का क्या करेगा, अपना ग्रुप लेके चलाएगा, दूसरा लड़का दूसरा ग्रुप लेके चलाएगा। तो इसमें दो देश जो है वो अपने ग्रुप के बीच में लड़ाई करते। एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश है साइबेरिया, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसका एक ग्रुप बना जिसका नाम पड़ा क्या कहते हैं, सेंट्रल पावर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या ग्रुप बना, सेंट्रल पावर, जिसमें कौन कौन से देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गेरिया, ये सब देश थे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था हमारा, दूसरी तरफ क्या था, साइबेरिया, ठीक है ना। उसका जो ग्रुप था एलीट पावर उसका नाम था, उसमें कौन कौन से थे, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, ये सारे देश थे। अब इन्हीं देशों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जानते हैं टोटल 37 देश भाग लिए थे, ठीक है ना, 37 देश जो है भाग लिए थे। और ये इतना बड़ा युद्ध था इसी कि इसको सब लोग क्या नाम दिए, द ग्रेट वॉर। इसको क्या नाम दिए, द ग्रेट वॉर। इसमें जो है 1,70,00,000, ठीक है ना, 1,70,00,000 लोग जो है वो मर गए थे, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है, इस युद्ध में। और जो है लगभग जो है 6.5 करोड़ जो सैनिक थे वो लोग भाग लिए थे इसमें, हमारे युद्ध में, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में। और ये युद्ध कब चालू हुआ था, 28 जुलाई 1914 में, और खत्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 में। अब इसकी कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रिंस था, ये लड़ाई हुई की थी ये हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रिंस था। उसका जो प्रिंस था, नाम हम बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नाम लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आर्ज नाम था उसका। प्रिंस जो है वो घूमने के लिए अपने पत्नी के साथ साइबेरिया गया था, ठीक है ना, साइबेरिया इलाका में घूमने के लिए गया। अब जब वहां घूम रहा था तो एक आदमी था, ठीक है ना, जो उसको प्रिंस को मार देता है। तो पता क्या चलता है कि जो ब्लैक हैंड एक संस्था थी वहां की, ठीक है ना, तो उसका हाथ था प्रिंस को मरवाने में, ठीक है। वो जो आदमी था वो ब्लैक हैंड संस्था का था, ठीक है, उसने साइबेरिया में जो प्रिंस गए थे उनको मार दिया। अब जब मार दिया तो ऑस्ट्रेलिया का जो सरकार थी वो गुस्सा गई कि हमारे प्रिंस को कैसे मारा, कि लोग थे वो लोग क्या कहते विद्रोह कर दिए, विद्रोह का मतलब लड़ाई छेड़ दी, किसके प्रति, साइबेरिया के प्रति। तो साइबेरिया भाग के गया किसके पास, किसके पास जाएगा, रसिया के पास गया, ठीक है ना, सॉरी रसिया के पास गया, और एलीट पावर बन गया। एलीट पावर और सेंट्रल पावर, दो पावर बन गए हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन से देश है, चार्ट में लगा दिया हूं, ठीक है, देख लीजिए। दोनों के बीच में जो है घमासान युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कह देते हैं, ठीक है। और बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकला, जब युद्ध हो गया तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो सेंट्रल पावर था यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गेरिया, ये सब लोग हार गए, और जीता कौन, एलीट पावर, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सब लोग जीते। कैसे, क्योंकि जो प्रिंस था वो साइबेरिया में गया था, तो प्रिंस जो है उसकी टीम वाले हार गए और साइबेरिया वाले लोग जीत गए। इस तरीके से वो ये पूरा हमारा होता, बहुत बुरी तरीके से हारे थे, जान लीजिए बिल्कुल टूट गए थे सेंट्रल पावर वाले देश, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। इसमें इंडिया भी हमारा भाग लिया होता इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि इंडिया तब गुलाम था, तो गुलाम होने के कारण सारे सैनिक इंडिया के वो सब गए थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत से लोग इसमें कमेंट भी ये भी कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएं, ये तो नॉर्मल बताएं। तो नॉर्मल इस वजह से बताएं क्योंकि टेंथ के लिए आपको इतना जानना काफी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, पेपर देने आपको जल्दी ही जाना है, ठीक है, तो ज्यादा आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले लाइक शेयर जरूर से करिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट अच्छा रहेगा, तो अगले वीडियो में आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।